हाय माय वॉरियर्स, कैसे हो तुम लोग? कल का चैलेंज किया, कैसा फील हुआ? अच्छा, सच सच बताना, कितने लोग ने 24 आवर तक किया था? क्योंकि मेरे से तो 15 आवर्स ही सरवाइव हो पाया था। और एक बंदी का मुझे वो आया था कमेंट की दीदी मैंने सुबह खाना खा लिया था, मेरे को चक्कर आ गया था। आई वॉज सो हैप्पी कि उसने एटलीस्ट मेरा बात तो माना। जिस इंसान ने मेरा बात मन मान के कल वाला काम किया है, देखो जान लगा दूंगी जाने नहीं दूंगी तो 500 से ऊपर कमेंट है, पर जो मैंने 24 वाला चैलेंज लिया था वो किसी ने नहीं किया होगा। जिसने किया था ना, और जिसने किया है, जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके वो किया है, इस साल उसका रैंक बेहतरीन आने वाला है नीट 2022 में। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, मैं 15 आर तक सरवाइव कर पाई थी, उसके बाद मेरी लगी मुझे तबीयत खराब हो रही है। सो 15 घंटे बाद जाके मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, इतना भी किया बहुत किया। अब देखो उसके आगे तुमको क्या करना है, तुम रोयोगे, पक्का रोयोगे, 110% रोयोगे, क्योंकि तुम अपने फेलियर में झांक के देखे। एक बात ध्यान से सुनना, कल मैंने बोला था कि तुम्हें ये चीज भुलाना है, तो मैंने तुम्हें रिकॉल क्यों कराया? मैं पागल हूँ क्या? कितने लोग ने बोला, आपने पहले बोला कि इसको भुलाना है, फिर आपने बोला इसको कॉपी में लिखो, आप पागल हो गई हो क्या? एक तरफ बोल रही हो भुलाओ, एक तरफ बोल रही हो रिकॉल करो, चाहती क्या हो? चाहत मेरी आज सुनना, चाहत मेरी आज सुनना, वो बातें तुम्हारे दिल में थी, तुम्हारे दिमाग में थी, तुम्हें खा रही थी वो चीज़। और मैंने कहा वो चीज़ जब तक तुम भूलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, तो मैंने वो सारी बातों को एक पेज में तुमसे लिखवा दिया। अब वो सारी फीलिंग्स तुम्हारे पेज में आ गई और तुम्हारे आंसू तुम्हारे पेज में, तुम्हारी पूरी फीलिंग्स भी पेज में, तुम्हारे आंसू भी पेज में। अब तुम्हारे अंदर कुछ शायद बचा नहीं रहा है, तुमने सारी कुछ निकाल के रख दिया। अब ध्यान से सुनना, ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, खोज लेना, ठीक है। जिस तरीके से मैं मेंटल सपोर्ट मॉरल सपोर्ट तुमको बूस्ट करूंगी ना, शायद ही किसी ने कभी सोचा भी होगा उस लेवल तक, सोचा भी होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम जो तुमने लिखा ना अपने फेलियर के बारे में, जो कुछ भी उससे तुमने क्या सीखा, वो जो तुम रोए हो जिस पेज पे, दो पेज बोला था ना रोने के लिए, दो पेज बीच का फाड़ना, एक पेज पे तुमने क्या क्या सीखा और तुम्हें क्या रिपीट नहीं करना है वो लिखोगे। और जिस पेज में तुम रहे हो, एक पेज में तुम्हें क्या गलती की थी और क्या चीज रिपीट नहीं करना है उसको लिखना है। उसको कैसे लिखना है? पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। कभी तुम्हारे स्टेटमेंट में अगर नॉट, नेवर ये आ गया तो उसको कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे। और पॉजिटिव स्टेटमेंट, अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में तुम्हें बताती हूँ। जैसे तुमने टाइम वेस्ट किया तो तुम लिखोगे, जनरली लोग लिखते हैं आई विल नेवर वेस्ट माई टाइम, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। तुम्हारे माइंड पता है नेवर को स्किप कर देगा और वो पढ़ेगा आई विल नॉट वेस्ट टाइम को पढ़ेगा वो आई विल वेस्ट टाइम। जो माइंड होता है ना उसको जो नेवर, नॉट, आई विल नॉट रिपीट अगेन, विल नॉट, नॉट वाला चीज जनरली माइंड स्किप कर देता है, ठीक है। तो तुम उसको पॉजिटिव वे में कैसे लिखोगे? आई विल यूटिलाइज माई टाइम। समझ में आया? जैसे मैंने ये चीज फील किया है, मैंने ये चीज पढ़ा था, सबकॉन्शियस माइंड बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो बुक पढ़ा था तो मैंने ये चीज पढ़ा था, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या। और मैंने ये चीज फील भी किया कि जब मैं लिखती थी कि आई विल नेवर वेस्ट टाइम, मैं टाइम वेस्ट ज्यादा करती थी, फिर मैंने लिखा आई विल यूटिलाइज माई टाइम, हर चीज को पॉजिटिव वे में। लाइक तुम अगर इंस्टाग्राम चलाने में ज्यादा वेस्ट करते हो टाइम, तो तुम क्या लिखोगे? आई विल नॉट यूज इंस्टाग्राम। नो, ये लिखना ही नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आई विल यूज ओनली स्टडी रिलेटेड एप्स। तुम अगर यूट्यूब में अंडे वंडे चैनल देखते हो कैरी मिनाटी इधर उधर का, तो ये नहीं लिखोगे आई विल नेवर सी कैरी मिनाटीज और रोस्टिंग चैनल, यू विल राइट आई विल सी वीडियोस ओनली रिलेटेड टू नीट। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव। समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब जो रोने का दूसरा वाला भाग है ना, उसको अभी छोड़ दो। अब जो इंसान पेज पे नहीं रोया, अब वो पछताएगा। एक एक बात जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुन के फॉलो किया करो, क्योंकि मेरा हर बात कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब एक घंटे का तो वीडियो नहीं बना सकती ना, मैं जो बोलती हूँ मुझे पता है उसको तुमको सिंक करने में उस तुम्हारे दिमाग को 24 घंटे लगेगा, इसलिए मैं हर दिन 5 बजे ही ये लाती हूँ।
ठीक है, ये सीरीज आज डे टू है। अब जब से तुम्हारा फेलियर स्टार्ट हुआ, रजिस्टर कॉपी में लिखे हो, उस पेज को फाड़ो, एकदम गुस्से में फाड़ना, वो तुम्हारा फेलियर है। फर्स्ट ड्रॉप में फेल हुए, फाड़ो उस पेज को। तुम्हारा जब से समय खराब होना स्टार्ट हुआ, कोई 9th से ही डिस्ट्रैक्ट रहता है, कोई 10th, कोई 11th, पेज को फाड़ो और ऐसे मोड़ो, छत पे ले जाओ, आग लगा दो, आग सच में जला देना है उस पेज को। वो तुम्हारा फेलियर था, तुम ऐसे ही भूलोगे उसको। देखा कैसे मैंने तुम्हारे अंदर से वो चीज निकाल के उसको जलवा दिया, अब वो तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। जिसने ये किया है ये काम, उसको असर दिखेगा, असर होगा, फर्क दिखेगा। जिसने नहीं किया है उसके जान लगा दूंगी, जाने नहीं दूंगी, लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो तुमने लिखा है बस, जिस इंसान ने वो चीज किया है उसने अपने फेलियर को अपने दिमाग अपने दिल से निकाल के एक पेज में लिखा और उसको जला दिया, गया। अब वो तुमको कभी परेशान, तुमको डीमोटिवेट, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरा पाएगा, तुमने जला दिया। और जब वो पेज जले ना, तो उसको देख के हंसना, भाई गया तू, तेरा समय खत्म, जला दिया मैंने अपने पास्ट को, अपने फेलियर को जला दिया। नाउ फ्रॉम टूडे आई विल लिव एज अ विनर, आई एम विनर। तुम्हें हंसना है उस पेज को जलते हुए देख के। और यार जो चीज तुम्हें नीचे खींच रहा था, तुम्हें जब तुम पढ़ने बैठे थे तुम्हें याद दिलाता था, यार इस बार रिजल्ट पे कितने कम आएंगे, यार तू तो फेलियर है, देख कितने अटेम्प्ट में फेल हुई है, वो चीज तुम्हें जला दिया। वो चीज की हिम्मत ही नहीं है तुम्हें कोई परेशान कर दे, वो चीज, वो पास्ट कभी तुम्हें परेशान कर दे, तुम्हें जला के राख कर दिया उसको, गया। अब तुम एक विनर हो और विनर की तरह रहोगी। ऐसे तरीका किसी ने नहीं बताया होगा कि पास्ट को कैसे भुलाते हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर तनीषा जायसवाल। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो एक बात और। अब तुम नीचे आओगे और तुमने जो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको अफर्म करोगे कि मैं यही करूँगी, और एक शीशा लेना, ठीक है, और अपने ऊपर हंसना, अपने पास्ट के ऊपर हंसना, खूब तेज तेज से हंसना। ठीक है, अब तुम्हें मैं हंस के भी दिखाती हूँ, देखो सुनो मेरी बात। देखो ऐसे कि अब तो तुम जो भी तुम्हारा पास्ट था, तुम अपने पास्ट से तो बड़ी हो आज, तुम अपने कल से आज बड़ी हो कि नहीं, मानोगी? सब लोग मानेगा, लड़का लोग भी, बड़ा होना तुम लोग कल के पास से तो अपने बड़ा होना। तो क्या बोलोगे, यार मैं जब छोटा था पता है टाइम वेस्ट करता रहता था, और हंसोगे तुम खुद के ऊपर, हंसोगे यार पता है अपने से ही बात करके, यार तुम रिकॉर्डिंग कर लेना फोन पे, हंसो हंसो। जब तुम उसको मजाक की तरह लोगे तो तुम कभी परेशान नहीं कर पाएगा। एक चीज तो तुमने उसको जला दिया, एक चीज उसको मजाक बना दो। कोई भी मजाक रहता है, कोई भी मजाक अगर करता तुम उस पर हंस देते हो, क्या तुम उसको बार बार सोचते हो? नहीं सोचते हो। अगर तुम्हारे साथ कोई फेलियर हुआ है, तुम्हें बार बार याद आता है, तुम उसको रोने क्यों लगते हो? सोच के अपने फेलियर को सोच के रोने क्यों लगते हो? क्योंकि वो मजाक नहीं था यार, तुम्हारा उसमें साल बर्बाद हुआ है। ठीक है, अब तो तुमको भूलना है, तुम उस पर हंसोगे, फिर हंसोगे तुम, यार पता है मैंने उस दोस्त के ऊपर अपना साल बर्बाद कर दिया, वो तो लायक ही नहीं था किससे। जैसे सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं साल बर्बाद होने के। जैसे अभी एक लड़की का आया था कि मेरा ब्रेकअप, मैंने मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से एक साल बर्बाद किया, तो तुम हंसो कि यार वो बंदे की वजह से मैंने एक साल बर्बाद कर दिया, अच्छी यार मैं तो कितनी छोटी और कितनी पागल थी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं तो विनर हूँ, अब तो इस साल तो नीट फोड़ के आना है। ऐसे जब अपने पास्ट पे हंस लोगे तो तुमको इतना बेहतरीन फील होगा, और तुमको कभी वो चीज़ भी रोक नहीं सकता जीतने से। एक चीज याद रखना, पास्ट को भुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया और जिसने मुझे फॉलो किया है, तो मैसेज करना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुम्हें पता है ये जब काम किया मैंने अपने लिए, मैं जब हॉस्टल में रहती थी कोटा में, तो मैंने अपने बालकनी में जाके उस पेज को जलाया, और वॉचमैन को लगा ना हॉस्टल में आग लग गया है, मैं मार खाने वाली थी पता है, फिर मैंने पानी डाल के उसको आग बुझा दिया उसका। लेकिन मैंने जब जलाया, हाय कितनी सुकून मिल रही कि मेरा पास्ट जो मुझे परेशान कर रहा था अब चला गया, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई चालू कर दी थी कोटा में इसको करने के बाद, इसलिए मैं बता रही हूँ तुम लोग को। ठीक है, और अब सुनो, 3 चार्ट पेपर खरीद लेना ध्यान से, कितने चार्ट पेपर? 3 चार्ट पेपर खरीद लेना और एक स्केच पेन खरीद लेना, और मैं जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे करते जाना।
अब तुम पास्ट को भुला चुके हो, तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। अच्छा, खाना खाने क्यों छोड़ने बोला था मैंने? खाना खाने छोड़ने इसलिए बोला था ताकि तुम्हारी कभी हिम्मत ना हो कि तुम डिप्रेस्ड होके खाना छोड़ सको। होते हैं कितने बच्चे इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते कि खाना ही खाना छोड़ देते, टेंशन ज्यादा होती है, खाना ही नहीं खाते, पानी ही नहीं पीते। खाना पानी नहीं खाओगे पियोगे ना, पढ़ने में और दिमाग नहीं लगेगा, इतना एक्टिव इतना एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। मैंने कहा भाई खाना पीना भी मत खाओ ताकि तुम्हें अन्न का भी कीमत पता चले कि तुम्हारे बॉडी में अन्न जाना कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो समय का कीमत पता चल गया और एक अन्न और पानी का कीमत पता चल गया जो तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्ट को भुला दिया, दो वीडियो में मैंने इतना काम कर दिया, अभी तो कितना वीडियो बाकी है, बस भगवान करे मुझे कभी कुछ हो ना। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे ऊपर तुम लोग डिपेंडेंट हो गए हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में देखने मिल रहा है, मत हो। देखो ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, अगर मैं कल नहीं होंगी तो क्या तुम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा? डिपेंडेंट मत हो बिल्कुल भी, मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत होना, ठीक है? खाना पानी वॉशरूम सब कुछ करने के बाद 3 घंटे एक जगह पे बैठ जाना है, उठना नहीं है चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, एकदम उठना नहीं है। 3 घंटे फोकस होके पढ़ना है, 3-3 घंटे की 2 सिटिंग लगानी है, जिसकी मैक्सिमम जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा लगाओ और जिसकी बिल्कुल नहीं है कोशिश करना है, कोशिश जरूर करना है। और हाँ, जाने से पहले तुम्हें कैसा कल फील हुआ कमेंट सेक्शन में लिखना। अपने हॉस्पिटल का नाम सोचने बोला था, हॉस्पिटल का नाम डैश अपना नाम डॉक्टर करके, और 10 बार मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ तो 10 बार काउंट भी करूंगी, 10 टाइम्स व्हाट यू हैव टू राइट, आई बिलीव माई सेल्फ, व्हाट यू हैव टू राइट, आई बिलीव माई सेल्फ, व्हाट यू हैव टू राइट, आई बिलीव माई सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड आई एम ऑलवेज हियर टू पुश यू। एंड यार एक कोट पढ़ा था मैंने इंस्टाग्राम पे, जिसने बुरा वक्त देखा है वो कभी दूसरों के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, और वो इंसान मैं हूँ। मेरे आँख में आंसू था वो वर्ड पढ़ के, तुम लोग भी इसको समझो और फॉलो करो। बाय।